हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्राइडे पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, फिल्म एक रीमेक एंड एक्सट्रैक्शन की इस वीडियो में आज हम तेलुगु फिल्म नुव्वु स्टारांटे नेनो दंदाना की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स और इस फिल्म के सभी रीमेक वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए अगर इस फिल्म के नाम को प्रोनाउंस करने में अगर मुझसे गलती हो रही है तो उसके लिए मैं आपसे पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फिल्म नुव्वु स्टारांटे नेनो दंदाना के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये तेलुगु लैंग्वेज में बनी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जो 14 जनवरी 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर प्रभु देवा ने किया था और बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म थी। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से काफ़ी इंस्पायर थी, जिसमें एक अमीर लड़का अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अपने प्यार को साबित करने के लिए उस लड़की के गांव चला जाता है। गैज, इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें 1998 में रिलीज हुई सलमान खान की ही फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में भी देखने को मिला था। नुव्वु स्टारांटे नेनो दंदाना फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म में श्रीहरि, सिद्धार्थ, त्रिशा कृष्णन और प्रकाश राज जैसे कई एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म को मैक्सिमम क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे। साथ ही पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस फिल्म को 7.8 आउट ऑफ 10 की अच्छी खासी रेटिंग दी हुई है। इन सब के अलावा ऑडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, शुरुआत में ये फिल्म सिर्फ 90 प्रिंट्स के साथ ही रिलीज की गई थी, लेकिन धीरे धीरे फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि पब्लिक डिमांड पर मेकर्स को और भी प्रिंट्स निकालने पड़े थे। इसके अलावा इस फिल्म ने आंध्र प्रदेश के कई थिएटरों में लगातार 100 से भी ज़्यादा दिनों तक चलने का रिकॉर्ड भी बनाया था। इन सब के अलावा ये इंडियन सिनेमा की उन टॉप फिल्मों में भी शामिल है जिसके अभी तक सबसे ज़्यादा रीमेक बनाए जा चुके हैं। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म का कुल बजट लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास था, जबकि फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास का ग्रॉस बिजनेस किया था। इसके अलावा ये फिल्म उस साल की हाइएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्मों में भी शामिल हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ इस फिल्म को उस साल अलग अलग कैटेगरी में 22 नॉमिनेशन भी मिले थे, जिनमें से इस फिल्म ने 16 अवार्ड जीत लिए थे। इनमें से सिद्धार्थ को फिल्म फेयर अवार्ड साउथ की तरफ से बेस्ट एक्टर का अवार्ड और त्रिशा कृष्णन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। गैस, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये इंडियन सिनेमा की उन टॉप फिल्मों में शामिल है जिसके अभी तक सबसे ज़्यादा रीमेक बनाए जा चुके हैं। आपको बता दूं, इस फिल्म की ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी को देखते हुए अभी तक तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, ओडिया, पंजाबी, हिंदी, नेपाली, मणिपुरी और बांग्लादेशी को मिलाकर टोटल 9 रीमेक बनाए जा चुके हैं। तो आइए अब इन सभी रीमेक फिल्मों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नुव्वु स्टारांटे नेनो दंदाना फिल्म का रीमेक 2006 में तमिल लैंग्वेज में बनाया गया था। तमिल भाषा में ये फिल्म उनाकुम एनाकुम नाम से रिलीज हुई थी। फिल्म में जयराम रवि लीड रोल में नजर आए थे। इनके अलावा फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को ही लिया गया था। ओरिजिनल फिल्म की तरह इस फिल्म को भी क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी, साथ ही ऑडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सुपरहिट रही थी। गैस, तमिल रीमेक के बाद 2006 में ही नुव्वु स्टारांटे नेनो दंदाना फिल्म का दूसरा रीमेक कन्नड़ा लैंग्वेज में भी बनाया गया था। कन्नड़ा भाषा में ये फिल्म नीनेलो ननाले नाम से रिलीज हुई थी। फिल्म में अनिरुद्ध, रक्षिता और विष्णुवर्धन लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को भी ओरिजिनल फिल्म की तरह क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले थे। इसके अलावा ऑडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी सक्सेसफुल रही थी। दोस्तों, तमिल और कन्नड़ा रीमेक के बाद तेलुगु फिल्म नुव्वु स्टारांटे नेनो दंदाना का रीमेक बंगाली लैंग्वेज में भी बनाया गया था। ये फिल्म आई लव यू नाम से साल 2007 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म की काफ़ी शूटिंग आंध्र प्रदेश में ओरिजिनल फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर ही की गई थी। फिल्म में देव और पायल सरकार लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले थे, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
इसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी सक्सेसफुल रही थी। दोस्तों इन सब के अलावा 2007 में ही मणिपुरी लैंग्वेज में भी नुवो स्टनांटे नैनो दंताना फिल्म का रीमेक बनाया गया था। ये फिल्म निंगोल थाजबा नाम से रिलीज हुई थी। फिल्म में लीड रोल में सोमेंद्रो राजकुमार, गोकुल अथोकपम और जीनिता नजर आए थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मैक्सिमम नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। गैस तेलुगु फिल्म नुवो स्टनांटे नैनो दंताना का 5वां रीमेक ओडिया लैंग्वेज में बनाया गया था। ये फिल्म 2009 में सुना छाड़े मो रूपा छाड़े नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में अनुपम मोहंती, वर्षा प्रियदर्शनी और सिद्धांत महापात्रा जैसे कई एक्टर्स नजर आए थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले थे, साथ ही ऑडियंस ने भी इस फिल्म को खूब प्यार दिया था। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी सक्सेसफुल रही थी। दोस्तों छठे रीमेक की बात करें तो 2009 में ही पंजाबी लैंग्वेज में भी तेरा मेरा कीरिस्ता नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, जो सिद्धार्थ स्टारर नुवो स्टनांटे नैनो दंतारा की ही ऑफिशियल रीमेक थी। इस फिल्म में जिम्मी शेरगिल और कुलराज रंधावा लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को भी ओरिजिनल फिल्म की तरह क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिव्यूज मिले थे। इसके अलावा ऑडियंस की तरफ से भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल रही थी। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन किया था। गैस तेलुगु फिल्म नुवो स्टनांटे नैनो दंताना का 7वां रीमेक बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज में बनाया गया था। 2010 में इस फिल्म को निशाज अमार तुमी नाम से रिलीज किया गया था। फिल्म में लीड रोल में शाकिब खान और अपू बिश्वास नजर आए थे। ये फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही थी। इतना ही नहीं, ये फिल्म साल 2010 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग बंगाली फिल्म भी बनी थी, जिसे उस साल 2 नेशनल अवार्ड्स भी दिए गए थे। दोस्तों 2010 में बांग्लादेश में बंगाली लैंग्वेज के अलावा तेलुगु फिल्म नुवो स्टनांटे नैनो दंताना का रीमेक नेपाली लैंग्वेज में भी बनाया गया था। ये फिल्म फरकेर हेरदा द फ्लैशबैक नाम से रिलीज हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में आर्यन सिकदेल और यूना उप्रेती को देखा गया था। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। गैस तेलुगु फिल्म नुवो स्टनांटे नैनो दंताना का 9वां और आखिरी रीमेक हमें बॉलीवुड में देखने को मिला था। 2013 में ये फिल्म रमैया वस्तावैया नाम से रिलीज की गई थी। इस फिल्म को भी ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा ने खुद ही डायरेक्ट किया था। फिल्म में लीड रोल में गिरीश कुमार नजर आए थे और ये इनका बॉलीवुड डेब्यू भी था। इनके अलावा श्रुति हासन को फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस देखा गया था। साथ ही फिल्म में सोनू सूद, रणधीर कपूर और विनोद खन्ना भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मैक्सिमम नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, साथ ही ऑडियंस को भी ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म को 38 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनाया गया था, जबकि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 36 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके अलावा फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बिजनेस 38 करोड़ रुपए के आसपास हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को फ्लॉप डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों इनमें से आपने कौन कौन सी फिल्में देखी हैं और किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो फिल्मी फ्राइडे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।